ट्विटर बोर्ड मेंबर से जैक डॉर्सी ने इस्तीफा दे दिया है। बोर्ड मेंबर से जैक डॉर्सी के हटने का मतलब यानी अब वो सोशल मीडिया ज्वाइंट ट्विटर से पूरी तरह बाहर हो गए हैं। बता दें कि पिछले साल जैक ने ट्विटर सीईओ का पद छोड़ दिया था। इसके बाद इसकी जिम्मेदारी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को दी गई थी। ट्विटर के सीईओ पद से हटने के बाद जैक को लेकर कंपनी ने कहा था कि वो टर्म खत्म होने तक बोर्ड मेंबर बने रहेंगे। उनका टर्म कल खत्म हो गया है। इसके बाद बोर्ड के एनुअल शेयर होल्डर मीटिंग के दौरान जैक डॉर्सी ने फिर से इलेक्शन में भाग नहीं लिया। वहीं ट्विटर सीईओ पद छोड़ते समय जैक ने कहा था कि उन्होंने कंपनी छोड़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि उनका मानना है कि कंपनी अब इसके फाउंडर मेंबर से आगे बढ़ने के लिए तैयार है। उनका पूरा विश्वास ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल में है। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल अभी भी ट्विटर सीईओ है, लेकिन मस्क के साथ उनके मतभेद की खबरें लगातार आती रहती हैं। वहीं जैक डॉर्सी ने कहा था कि वे दोबारा ट्विटर के सीईओ नहीं बनेंगे। वो अभी फाइनेंशियल पेमेंट प्लेटफॉर्म ब्लॉक चला रहे हैं।